सब्सक्राइब कीजिए टेलीकॉम मोबाइल टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक न्यूज के एपिसोड चैनल में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल का टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले अपडेट की। तो निकल के आता रेडमी की तरफ से, रेडमी ने 3 स्मार्ट टीवी फाइनली किए हैं लॉन्च, जिसकी मॉडल नेम हम आपको बता दें, रेडमी स्मार्ट टीवी X50, स्मार्ट टीवी X55 और स्मार्ट टीवी X65 किए गए हैं लॉन्च। बताया गया ये तीनों मॉडल में आपको स्क्रीन साइज को छोड़कर स्पेसिफिकेशन मिलेंगे सेम, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ रेडमी की तरफ से रेडमी स्मार्ट टीवी यूजर के लिए। तो देखते हैं कि रेडमी की तरफ से यह टीवी हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। बात करते हैं दूसरे अपडेट की, तो निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला एज प्लस की सेल की गई शुरुआत फ्लिपकार्ट पे। बताया गया इस डिवाइस को बुक करने में आपको 7500 रुपए के डिस्काउंट मिलेंगे अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है फ्लिपकार्ट की तरफ से मोटोरोला एज प्लस यूजर के लिए। अगर आप लोग इस फोन को बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे अपडेट की, तो निकल के आता IQ की तरफ से, IQ 3 नए ट्रांसफॉर्मर एडिशन में किए गए फाइनली लॉन्च IQ की तरफ से। बताया गया ये एडिशन ट्रांसफॉर्मर्स फैंस के लिए किए गए हैं डिजाइन, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज IQ की तरफ से। तो देखते हैं जरिए कि IQ की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो निकल क्या था रेडमी की तरफ से, रेडमी एयरबड्स एस वायरलेस फाइनली इंडिया में किए गए लॉन्च। बताया गया इस एयरबड्स में आपको कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 का मिलेगा सपोर्ट, और रेडमी की तरफ से एक स्पेसिफिकेशन निकल के आई है कि इसमें पानी से बचाव के लिए IPX4 का मिलेगा सर्टिफिकेशन। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग जो रेडमी की तरफ से रेडमी एयरबड्स यूजर के लिए। बताया गया ये एयरबड्स की कीमत 1799 रुपए होगी। तो देखते हैं कि इंडिया में यह एयरबड्स कब देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो निकल के आता सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A50 को लेकर। बताया गया सैमसंग गैलेक्सी A50 को एंड्रॉयड 10 के साथ मार्स सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलना शुरू हो गया है। अगर आप लोग A50 यूजर हैं तो इसको कर सकते हैं इंस्टॉल। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो निकल के आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला एक और फोल्डेबल फोन पे कर रही है काम। बताया गया ये फोल्डेबल फोन भारत में होंगे लॉन्च। तो देखते हैं कि मोटोरोला की तरफ से यह अपकमिंग फोल्डेबल फोन कौन से मॉडल के नाम से आते हैं और किस प्राइस में हमें इंडिया में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं अगले अपडेट की, तो निकल के आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी 10X और रेडमी 10X प्रो फाइनली रेडमी की तरफ से किए गए लॉन्च। बता दें रेडमी 10X में आपको ट्रिपल रियर कैमरा, रेडमी 10X प्रो में आपको क्वाड रियर कैमरा, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 8GB की रैम, MediaTek का Dimensity 820 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर पर है बेस्ड, दोनों ही फोन में आपको 5G कनेक्टिविटी से होगा लेस। बता दें इस दोनों फोन में आपको 4520mAh की बैटरी मिलेगी। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग रेडमी की तरफ से रेडमी यूजर के लिए। तो देखते हैं कि रेडमी की तरफ से यह स्मार्टफोन में इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन फाइनली रियलमी की तरफ से किए गए लॉन्च। बता दें इस फोन में आपको 12GB रैम के साथ क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर, 120 रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, ड्यूअल सेल्फी कैमरा, क्वाड रियर कैमरा से यह डिवाइस से लेस। बता दें इस फोन में आपको 60x का सुपर जूम का मिलेगा सपोर्ट। बता दें ये फोन आपको 2 वेरिएंट और 2 रंगों में किए गए हैं लॉन्च। तो देखते हैं जरिए कि रियलमी की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो निकल के आता वीवो की तरफ से, वीवो ने फाइनली 2020X सीरीज को लॉन्च कर दिया है। बता दें इस डिवाइस में आपको 6GB रैम, 8GB रैम के साथ 128GB का इंटरनल स्टोरेज, ट्रिपल रियर कैमरा, 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, और बता दें इस डिवाइस में आपको 4500mAh की बैटरी से यह डिवाइस से लेस। बता दें इस फोन में आपको सैमसंग का लेटेस्ट एक्सिनोस 880 चिपसेट जो कि आता है 5G कनेक्टिविटी के साथ। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है वीवो की तरफ से वीवो Y70S यूजर के लिए। तो देखते हैं कि वीवो की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। बात करते हैं लास्ट अपडेट की, तो निकल क्या था रियलमी की तरफ से, रियलमी ने फाइनली 6S स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च। बता दें इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा,
4 GB की रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, मीडिया टेक का हीलियो G90T प्रोसेसर से या डिवाइस से लैस। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है रियलमी की तरफ से रियलमी 6S यूजर के लिए। तो देखते हैं कि रियलमी की तरफ से यह डिवाइस हमें इंडिया में कब और किस प्राइस में देखने को मिलता है। दोस्तों बस फिलहाल टेक्निक नहीं देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए जाना इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।